हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना फुटवेयर कलेक्शन शेयर करने वाली हूं। इसमें से कुछ जो है मेरे पास पहले से, तो कुछ एक मैंने मंगवाए हैं अमेज़न से, तो यहां पर काफी अफोर्डेबल रेट पर अच्छी चीजें मिल रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। सभी जो है वो अंडर ₹500 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 399 से लेकर आपको ये जो आपको जूते, सैंडल्स या हील्स मिलेंगे, ये सारे 1500 के अंडर मिलेंगे। तो मोस्टली यहाँ पर दो भाई ब्रांड के हैं और एक दो और डिफरेंट ब्रांड्स के होंगे। यहाँ स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी सभी प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। अभी हम सिर्फ बात करेंगे क्वालिटी एज पर प्राइस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं इस तरीके के प्लेटफॉर्म चप्पल्स, जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेट है। इसमें मेरा साइज 37 है और ये शू टोपिया दो भाई ब्रांड की है। इसके ऊपर यहाँ पर डिटेलिंग है, ये एथनिक वेयर के साथ ज्यादा एप्रोप्रिएट लगेगी। कपड़े का काम यहाँ पर, मतलब कपड़ा लगा हुआ है, फ्रंट पर भी कपड़ा लगा हुआ है, काफी कंफर्टेबल है, चलने में भी काफी अच्छी और लाइट वेट मुझे ये लगती है। तो अभी मेरे को कहीं बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि ये चप्पल्स ले लेती हूँ, क्योंकि चलने में थोड़ा कंफर्टेबल हो और दिखने में भी लाइट वेट हो, और ताकि मुझे चलने में या ज्यादा अगर मुझे पैदल चलना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप मार्केट वगैरह के लिए ये ले रहे हैं तो अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आपको पूरा दिन कहीं पर चलना है तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हील्स है और थोड़ा सा आपको थकावट फील हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर जाना है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा नहीं चलना पड़ रहा है, या आपको मार्केट में जाना है 2 घंटे के लिए और वापस आ जाना है, पूरा दिन नहीं चलना है, तो उसके लिए ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लैट्स की तरफ। ये भी कुछ 300-400 रुपए के अराउंड मिली। ये फ्लैट कुछ इस तरीके के हैं, इसमें काफी सारे और कलर्स हैं। दिखने में ये लग रहा होगा कि ये आगे से ओपन की तरफ है, मतलब पैर बाहर की तरफ निकलेगा। अगर आपका पैर पतला है तो मैं भी इस तरीके की चप्पल पहनना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरा पैर पूरा बाहर निकल आता है। लेकिन इसमें ये अच्छी चीज है कि यहाँ पे पार्टीशन दिया गया है, इसके अंदर व्हाइट, ब्लू और भी काफी सारे हैं। यहाँ पर कपड़ा लगा हुआ है वेलवेट का, नीचे की तरफ रबड़ है और फ्लैट है। ये सोसू ब्रांड की है, बहुत ही कंफर्टेबल है। लाइफस्टाइल, मतलब अगर आप लाइफस्टाइल जाते हैं तो आप लोगों को पता होगा, वहां पर आपने ये काफी सारी देखी भी होंगी। मुझे इतनी कंफर्टेबल लगी, मतलब मुझे मजा आ गया इसे पहनकर, और दिखने में भी ये थोड़ी सी अच्छी लगती है। वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न जीन्स, डेनिम्स, ड्रेसेस सबके साथ ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगी और काफी कंफर्टेबल है। एज पर प्राइस मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। पानी में भी ये इतनी इजिली खराब होने वाली नहीं है, क्योंकि कई होती हैं जो पानी में जाकर दो अलग अलग हो जाती हैं, तो वो वाला आपको सीन नहीं देखने को मिलेगा। तो मुझे ये अच्छा लगा, अगर आप गोवा वगैरह जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए। जब कंफर्ट की बात हो रही है तो स्पोर्ट्स शूज से बेटर मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। और अभी जो आप सोच रहे हैं उसका जवाब मैं पहले दे देती हूँ। जी हाँ, मेरा मेकअप, मेरा आउटफिट बिल्कुल चेंज है। एक्चुअली मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठी थी और देखा कि वीडियो डिलीटेड हो चुकी है मेरी सारी की सारी। पता नहीं कैसे मैंने फोन चेंज किया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिल रही है, इसलिए मैं दोबारा से इसे रीशूट कर ले रही हूँ। पहले का जो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, तो इसलिए मेरा फिर से रीशूट करने का नहीं मतलब मन था। और अभी जो क्लिप्स आपको दिखेंगी वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये रीशूट वीडियो है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं स्पोर्ट शूज़ की। ये स्पोर्ट शूज़ जो है ये 700-800 रुपए के मैंने अमेज़न से मंगवाए हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी और सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वाइट कलर के हैं, क्योंकि वाइट स्पोर्ट शूज़ का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अगर आप हाई एंड शूज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, मिल जाए मतलब जो कम्फर्टेबल भी हों, अफोर्डेबल भी हों और स्टाइलिश भी लगे, तो ये शूज़ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। इसमें आपको 1 से 1.5 इंच की हील भी मिल जाती है और इसके साथ साथ कम्फर्टेबल है। हाँ, इसमें कुशन्स आपको नहीं मिलेंगे और थोड़ा सा ये आपको ब्रांडेड शूज़ के मुकाबले में थोड़ा सा आपको हैवी फील होगा। ये नहीं है कि आप चलते चलते ऐसे लगा होगा पत्थर पहना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा आपको हैवी फील होगा एज कम्पेरिजन टू ब्रांडेड शूज, लेकिन ये काफी कंफर्टेबल हैं, काफी अच्छे हैं और आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। और स्टाइलिश तो ये है ही, इसे आप डेनिम्स के साथ बहुत अच्छे से टीम अप कर सकते हैं। शॉर्ट ड्रेसेस के साथ भी ये कंफर्टेबल लगेगा, कैजुअल वेयर पे एकदम अप्रोप्रिएट लुक ये देने वाले हैं। और इसके साइड पे ये जो इस तरीके की शिमर डिटेलिंग है वो बहुत ज्यादा क्लासी लग रही है, जो डिजिटल डिटेलिंग इसमें दी गई है, तो वो बहुत ज्यादा इसकी लुक को एनहेंस कर रहा है और आपको काफी स्टाइलिश दिखाएगा डेफिनेटली। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो मेरे पास, हम एंकल लेंथ शूज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जब पार्टीज की बात हो रही है, कैजुअल आउटिंग की बात हो रही है, तो ये जो इस तरीके के एंकल लेंथ बूट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये सर्दियों में तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं। अगर अभी जैसे सब कुछ ओपन हो गया है
होपफुली तो सब कुछ ओपन हो गया है, तो पब्स जाना, पार्टी जाना और अच्छे से कपड़े पहनना, खुद को स्टाइलिश दिखाना बहुत सब हर किसी को पसंद होता है। तो अगर आप पब्स वगैरह जाते हैं या फिर आप पार्टीज करने जाते हैं या इवेंट्स के लिए जाते हैं, नाइट टाइम पार्टीज या कैजुअल पार्टीज में भी जा रहे हैं, तो ये बूट्स बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं। आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, जस्ट एक शूज़ पहनने से, मतलब एक बूट्स पहनने से ही लुक में एक अलग जान आ गई है और काफ़ी खूबसूरत लुक निकल के आता है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और ये कुछ 499 रुपीज में मुझे पड़ा और काफी अफोर्डेबल है, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। अब इसके बाद जब बूट्स की बात हो गई, इसके अंदर मतलब आपको हील्स भी मिलते हैं, मतलब बूट्स के साथ आपको हल्के फुल्के हील्स मिलते हैं 1 से 2 इंच के, जो इसे सेक्सी दिखाने में मदद करता है, मतलब ओवरऑल लुक को, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हील्स पहनते हैं, मतलब मैं तो पर्सनली जब हील पहनती हूँ तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, तो मुझे हील्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मतलब आपको भी बोलूँगी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। आगे जब कॉन्फिडेंस की बात हो ही रही है, हील्स की बात हो ही रही है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी इस तरीके की हील्स। एक्चुअली इस तरीके की हील्स जो है मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, ये कलर स्पेशली नियॉन कलर, ये मैंने काफी सारे लोगों को पहने हुए देखा था, तो मुझे लगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन 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 टू बी वेरी फ्रेंक ये मेरा टेस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने मंगवाया है कि कहीं कोई पार्टी होगी तो डेफिनेटली मैं इसे वेयर करूंगी। ये व्हाइट ब्लैक पिंक के साथ बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगता है, और अगर आप ओवरऑल नियॉन लुक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके की लुक्स कैरी करते हैं, काफी कंफर्टेबल है, इसके ऊपर स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, और अगर आपका पैर पतला है तो मैं आपको इस तरीके के जो फुटवेयर होते हैं वो रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि इससे पैर काफी आगे चला जाता है और काफी अनकंफर्टेबल रहता है। लेकिन मेरे पैर में भी एक थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, चलते हुए मुझे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये मेरे पैर पे एकदम फिट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपके पैर थोड़े से ब्रॉड है तो डेफिनेटली आपको इसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा फिटिंग और लुक आपको देने वाला है। मेरा इसमें साइज 36 है, यूके साइज 36 है, और आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगेन आगे मैं बढ़ती हूँ स्टेलेटोस की तरफ। स्टेलेटोस मेरे पास इस तरीके के पहले वेजेस में थे और ये इस तरीके से आगे की तरफ बंद करता है। अभी मैंने फिलहाल इसे पेंसिल हील में मंगवाया है, इसकी हील 3 से 4 इंच की है, और आगे फ्रंट साइड पे आपको जो है ये बेज कलर मिल जाता है। इसके ऊपर जो डिटेलिंग है क्रिस क्रॉस काफी खूबसूरत लगती है, काफी लुक को एनहांस करती है, लेकिन इसमें मेरा साइज जो है उन्होंने 37 भेज दिया, मैंने 36 ऑर्डर किया था, तो मुझे ये रिटर्न कराना पड़ेगा। लेकिन इसकी फिटिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत आती है, क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूँ, मुझे पता है पहन के काफी कंफर्टेबल फील होता है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप डेफिनेटली इस तरीके के फुटवेयर ट्राई कर सकते हैं। ओपन बैक ओपन हील्स मत ट्राई कीजिए, क्योंकि उसमें आपके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बैलेंस नहीं बनता है, लेकिन इसमें आपके बैलेंस काफी अच्छे से बन जाएगा और काफी खूबसूरत लुक आएगा और आप खुद को कॉन्फिडेंट फील कराएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लेटफॉर्म हील्स पर आप लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म हील्स जो होती है ना वो काफी कंफर्टेबल रहती हैं और काफी इजीली आप कैरी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हील की तरफ। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके की इलास्टिक बैंड वाले हील्स जरूर ट्राई कीजिए। इसमें हील जो है साइज 1 से 2 इंच का है और काफी कंफर्टेबल है। फ्रंट पे इसका बो स्टाइल है, बिल्कुल साटन लुकिंग लुक है और बहुत प्यारा लगता है। अगर आप बिगनर हैं और किसी की शादी में जा रहे हैं तो रोज गोल्ड कलर, अगर इस तरीके की कोई साड़ी या लहंगा पहन रहे हैं तो डेफिनेटली इसे ट्राई करना। ये बहुत प्यारा लुक देता है, बहुत ओवरऑल लुक को काफी एनहांस करता है। अब किसी भी फुट शेप की क्यों ना हो, ये एकदम परफेक्टली आपके पैर में फिट आ जाता है और उसे काफी अच्छे से ग्रिप देकर रखता है। पर अगर लंबे समय तक आप इसे पहनने का सोच रहे हैं कि पूरा दिन आप पहन ले या ओवरनाइट से पहन ले, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, इससे पैर स्वेल हो सकते हैं, क्योंकि इसके आगे इलास्टिक है तो काफी बेंड, अगर आप ऊपर पैर होता है तो हील के कारण उससे स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थोड़े टाइम के लिए 2 से 4 घंटे के लिए आप कंफर्टेबली इसे कैरी कर सकते हैं, तो अगर बिगिनर है तो डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिएगा। बाकी ये था मेरा आज का वीडियो फुटवेयर हॉल, और कुछ एक टिप्स मैंने आपको दी हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। कोई भी इसमें से परचेज करना चाहते हैं आइटम, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। बस बाकी मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।